अस्सलाम वालेकुम। कल बैरियर टाउन के अंदर होने वाला इंसिडेंट और उसके रिस्पांस में रियलेटर एसोसिएशन और रियलेटर कम्युनिटी का आज रिस्पांस है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जिन दोस्तों का जिन लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है उनके साथ इजहार यकजहती की गई। जो इंसिडेंट हुआ है और इसमें जो शरपसंद अनासर थे या इसके बैकएंड पे जो लोग इन्वॉल्व थे मुलविस थे इसमें और इस सारे इंसिडेंट की पुरजोर मजम्मत की गई और साथ ही सिक्योरिटी इदारों की जो कारकर्दगी रही कल इस इंसिडेंट पे उस पर एक सवालिया निशान उठाया गया। आज इतना अच्छा काम करने के बावजूद हमारे साथ ये किया जा रहा है कि हमें जो है बेआसरा छोड़ दिया गया कल। ना यहाँ पे कोई हुकूमतें थी, ना यहाँ पे कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर आए। टाउन यहाँ पे एक कमर्शियल हब बन चुका है और यहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोज़गार है और बहरिया टाउन ने एक ही बहुत ही हाई क्लास स्टैंडर्ड की यहाँ पे लिविंग इंट्रोड्यूस करवाई है और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी डेवलप की है और इस कम्युनिटी को इस लिविंग स्टैंडर्ड को हज़ारों नहीं शायद लाखों लोग इसको एंजॉय करेंगे और इस वक्त हज़ारों फैमिली यहाँ पे रह रही हैं और बड़ी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जीडीपी ग्रोथ में यहाँ पर जो बैरिया टाउन के बनने के बाद जो एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया गया, जो एक तरह से रिहाइश दिया गया है, ये आज से पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। इस कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज दिया गया कि इस प्रोजेक्ट को पोलिटिसाइज ना किया जाए। इस प्रोजेक्ट में हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार चल रहा है और ये लोग पूरे मुल्क से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ सिंधी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें सरायकी भी हैं, इसमें पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं और बहुत सारे पूरे मुल्क से यहाँ पे हर तरह के लोगों का रोज़गार चल रहा है। तो हम चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, वो आप इन सारा जितना ये कल एक एहतजाज के नाम पे दहशत गर्दी हुई है वो इसका नोटिस लें और इसके ऊपर एक जो अदालत है वो एक कमीशन बनाए जो जितनी एक एक जो इंसाफ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो लोग इसमें जिनका किरदार है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बाकी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहरिया टाउन का जब से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है तो इस पूरे एरिया की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। तो ये सारा जो कल का इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे जो भी लोग मुलव्वस हैं वो शायद इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे होने वाली तरक्की को, यहाँ पे होने वाली एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को या खुदा ना खास्ता यहाँ पे लोगों का अच्छा रोज़गार को खुदा ना खास्ता अगर ख़राब करना चाहते हैं या उनके पीछे कोई इसके इससे जुड़े कोई ऐसे अजायम हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि बैरिया टाउन कम्युनिटी, बैरिया टाउन रिलेटेड कम्युनिटी इन सारे मामलात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है या कोई दोबारा इस तरह के कोई लोग या शर पसंद अनासर खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो ये बहरिया टाउन कम्युनिटी और रियलेटर कम्युनिटी इसका भरपूर दिफा करेंगे और इंशाल्लाह ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिनकी कारकर्दगी जो है कल इस इंसिडेंट पे बहुत एक सवालिया निशान रही, खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का इंसिडेंट होता है तो सिक्योरिटी इदारों से भी रिक्वेस्ट की गई है कि अब वो अपना फाल करतार अदा करें और कभी दोबारा इस तरह के इंसिडेंट का मौका ना आए। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम फर्दर जो भी इस पे डेवलपमेंट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।